तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम परीक्षा में पूछा जाता मोर का चित्र बनाना, तो हमें आना चाहिए कहाँ से उसको शुरू करें, कहाँ उसको ख़त्म करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे मोर दो तरह से बनाना सीखेंगे, एक तो बैठा हुआ और एक नृत्य करता हुआ, डांस करता हुआ, और मोर डाल पर बैठा हुआ हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप टू लिखना, टू लिख लीजिए इस तरह। अब इस पर हम मोर बनाएंगे, तो सबसे पहले ये उसकी गर्दन, तो होता क्या है इसी को हम लोग बतख भी बना लेते हैं, हंस भी बना लेते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये ऐसा कर लेंगे, और ये रही उसकी आँख। आप पेंसिल से बनाइए थोड़ा लाइट, अब जब ठीक सा बन जाए उसी के बाद उसको डार्क करें। और ये इस तरह, और पंख। अब अगर हमें नृत्य करता हुआ बनाना है तो हम अभी हम लोग इस तरह, अगर डाल पर बैठा हुआ बनाएंगे तो ये जो पंख होंगे वो नीचे आएंगे। तो आप हर तरह से बनाने का अभ्यास करेंगे। मोर को अपने ऊपर बड़ा ही अभिमान था, लेकिन अपने पैरों को देखकर वो काफी दुखी होता है कि हमारे पैर उतने सुंदर नहीं है। वैसे भी इंसान को कभी अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ, कितना भी अच्छा हो उसके अंदर कुछ न कुछ दोष होते हैं, और कितना भी खराब हो उसके भी अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। जो संत लोग होते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, यानी कि हमारा स्वभाव शुभ की तरह होना चाहिए, जो सार सार को गहले और थोता दे उड़ाए।